पश्चिमबंग पंचायत निर्वाचन में गढ़ला मुंड मतदान बेले घटला गुलिकाण्ड तेरे पश्चिमबंग पंचायत निर्वाचन मतदान आरंभ हो 22 जिलार 64,874 आसन में भोटिंग चली। पश्चिमबंग निर्वाचन हिंसा लगि रही शांति श्रृंखलार सह मतदान लगि 1,35,000 सुरक्षाकर्मी मुतयन कर 485 कंपनी केन्द्रीय फोर्स मुतयन होले। निर्वाचन पूर्व विभिन्न स्थान में हिंसाकांड घटना देखा मिली। निर्वाचन तारीख घोषणा होगा पर 18 जन मृत्यु होता कहु। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे केंद्र बाहरी नहीं है। दूसरी बात ये हमेशा यहाँ वोट लूट होता रहता है। यहाँ का तृणमूल जो है वो हमेशा ही करता रहता है, जो मर जाता है उसका भी वोट देता है, जिसका वोट हुआ नहीं है वो भी आके वोट डाल के चला जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ केंद्र बाहरी जब तक ना आए हम वोट करने नहीं देंगे। हमारा लास्ट का ऊपर से जाके ये लोग वोट करेंगे जब तक ना वो लोग केंद्र बाहरी नहीं देंगे, यही हमारा कहने का मतलब है। और यहाँ वोट तब तक बंद रहेगा जब तक केंद्र बाहरी नहीं आता। सेपरी सीताई मतदान केन्द्र रे हिंसाकांड घटना सामना को आसी उत्तेजित लोके मतदान केन्द्र रे निया लगाई बैलेट पेपर को पोड़ी देछंती। कुच बिहार फोलीमारी रे मध्य हिंसाकांड घटी। बीजेपी पोलिंग एजेंट को गुड़माड़ करी हत्या कर शनिवार सकाळो दुर्वृत्त माने एभली हत्या करछंती। घटना पर मतदान केन्द्र रे बोमामाड़ कर जने सीपीआई प्रार्थी एथिरे आहत होती। तेरे पश्चिमबंग पंचायत मतदान समय रे ए पर्यंत 6 जन को हत्या कर सूचना मिली। एथिरे 5 जन टीएमसी एवं जने बीजेपी कर्मकर्ता रही। देखिए जब इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार मिल जाए और निर्णय ले ले जे तृणमूल पार्टी सत्ताधारी दल पूरा लूट करे चुनाव को, तो जो होना है वही हो रहा है। सेंट्रल फोर्स आया लेकिन उन लोगों को भेजा नहीं बूथ पे, सेंट्रल फोर्स आया उन लोगों को काम में नहीं लगा रहा है, तो ऐसा स्थिति बना के रखा जो पूरा इलेक्शन लूट हो जाए। और उसी हिसाब से जगह जगह में मारपीट दंगा हंगामा चल रहा है। अभी तो 4 आदमी का मौत हो गया, कूचबिहार में 1 और मुर्शिदाबाद में 3। इसमें एक तो तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का अंदर लड़ाई चल रहा है, दूसरा और तृणमूल कांग्रेस का लोग भारतीय जनता पार्टी और बाकी दल के ऊपर हमला चला रहा है। तो चुनाव जो अभी तक सुबह जो हो रहा है उस चुनाव से लगता है जो चुनाव का नाम में प्रहसन हो रहा है, साफ सुथरा वोटिंग नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा स्थान पर तृणमूल का गुंडा लोग ही कब्जा करके बैठा है, तो इस चुनाव को कोई जनता का चुनाव हम बोल नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिनिधि टीवी।